बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने पॉइंट्स को अपनी जॉब के अंदर सेव करने के बाद एरिया कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। ऑटोकैड की ड्राइंग की एक पिक्चर मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, जिसमें मैंने अपने 6 पॉइंट्स लोकेट किए हुए हैं। इन 6 पॉइंट्स को ही हमने अपनी जॉब के अंदर सेव करने के बाद एरिया कैलकुलेट करना है। GPS की जॉब के अंदर जाकर पॉइंट्स को ऐड करने का तरीका आप मेरी पिछली वीडियो से देखकर सीख सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। कंट्रोलर को ऑन करने के बाद मैग्नेट फील्ड के अंदर जाकर आपने सबसे पहले अपनी जॉब कंफर्म कर लेनी है, जिस जॉब के अंदर रहकर आपने काम करना है। तो ये देखें, ABC मेरी जॉब एक्टिवेट है। तो एडिट के फोल्डर को ओपन करने के बाद पॉइंट्स में जाकर हमने अपने पॉइंट्स चेक कर लेने हैं जो हमने ऐड किए हुए हैं। ये मेरे वही 6 पॉइंट हैं जो मैंने आपको पिक्चर में शो किए हैं। तो P1 का डाटा आप देख सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको P6 का भी डाटा शो कर देता हूं। तो ये देखें, मेरे वही कोऑर्डिनेट हैं जो पिक्चर में हमने शो किए हैं। उसके बाद दोबारा से हमने एडिट के फोल्डर को ओपन करके अब एरिया में जाना है। एरिया में जाकर सबसे पहले ऐड बटन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है हमने अपने एरिया का नाम देना है। मैं यहाँ B1 इंटर करता हूँ। एरिया का नाम देने के बाद हमने अपने पॉइंट्स ऐड करने हैं। ये जो ऐड पॉइंट लिखा हुआ है, इसके क्लिक करेंगे तो हमने अपनी फ्रॉम लिस्ट को सिलेक्ट करते हुए अपनी जो लिस्ट में पॉइंट्स मौजूद हैं उनको सिलेक्ट करना है। आप एक पॉइंट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो हम सेवरल पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपने 6 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया है। तो ये देखें, उसने मेरे 6 पॉइंट्स के मुताबिक मेरी फिगर ड्रा कर दी है। तो ये देखिए, ये वही सेम फिगर है जो हमने आपको पिक्चर में शो की है। उसके बाद हमने जाना है कैलकुलेट में। कैलकुलेट के बाद एरिया ऑप्शन को ओपन करते हुए बाय पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पॉइंट्स लिस्ट को ओपन करते हुए हमने एरिया सिलेक्ट करना है। एरिया को जहाँ Area 1 लिखा हुआ है वहाँ हमने अपना नाम लिखना है। यहाँ हम लिखेंगे B1 तो वो हमारा एरिया और हमारे पॉइंट्स शो कर देगा। ये देखें, वही पॉइंट्स जो हमने सेव किए हैं वो उसने हमारे सामने लाकर शो कर दिए हैं। कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एरिया कैलकुलेट होकर हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, हमारा ये वही एरिया है। आप पिक्चर में इसको मैच कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होगा।